सरकारी स्कूलों में दीपावली एवं छठ पूजा की छुट्टियों में की गई कटौती का मामला गरमा रहा है। आपको बता दें, आज़ादी से लेकर पिछले साल तक दीपावली से लेकर छठ पर्व तक सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहती थी, लेकिन इस बार दीपावली में 31 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी गई है। वहीं छठ की छुट्टी 7 और 8 को है। 8 तारीख को छठ पर्व का समापन हो रहा है, 9 तारीख को शनिवार की छुट्टी है, लेकिन 5 तारीख से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। 5 और 6 नवंबर नहाए खाए और खरना के दिन भी स्कूल खुला हुआ है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भारी संख्या में शिक्षक छठ करते हैं, क्या उनको परेशानी नहीं होगी? देखिए, इस वक्त हम पटना में बालक मध्य विद्यालय के आगे खड़े हैं। इसी कैंपस में कन्या मध्य विद्यालय भी है, स्कूल का भी संचालन हो रहा है। यहाँ के हेडमास्टर, कन्या मध्य विद्यालय के हेडमास्टर असीम जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि मीडिया की एंट्री सरकारी स्कूलों में नहीं है, इस पर बैन लगा दिया गया है। शिक्षक मीडिया से बात करें, इस पर भी जो है बैन लगा दिया गया। हम असीम जी हमारे साथ हैं। असीम जी, आप लोगों को तो मीडिया से बात करने की मनाही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज़ादी से लेकर पिछले साल तक दीपावली से छठ पर्व तक छुट्टी रहती थी सरकारी स्कूलों में, लेकिन इस बार तो कटौती हो गई। पिछले ही साल नवंबर में अवकाश तालिका 2024 की जारी हुई थी, अब पर्व नज़दीक आ रहा है, तो इस पर हंगामा हो रहा है, राजनीति भी हो रही है। देखिए, इसके बारे में तो हमारे निदेशक महोदय से ही आपको पूछना चाहिए कि छुट्टी का लिस्ट पहली बार सचिवालय से ही बना है, जो पहले जो कि हमारे संगठन के द्वारा बन करके अप्रूव्ड होता था उस पर, लेकिन अब हम लोगों को मीडिया से बात करने में मनाही है। और इस संदर्भ में हम आपको क्या बोलें, जो छुट्टी है उसी के अनुसार हमें हम लोगों को काम करना है। कठिनाई हो या आपको नहीं हो, इससे सरकार को और इसको कोई मतलब नहीं है। दुर्गा पूजा में भी छुट्टी की कटौती हुई है और छठ में भी हुआ है। 60 छुट्टी तो मिलनी ही चाहिए थी, गर्मी के छुट्टी के रूप में उसको काउंट कर दिया गया। विशेष आपको अगर कोई चीज़ बातचीत करनी हो तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी जो राजेंद्र नगर में बैठते हैं उनसे बात करनी चाहिए, हम लोगों से नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पहले कब से कब तक छुट्टी रहती थी? देखिए, पहले तो आपको बोले कि दुर्गा पूजा में भी 10 दिन छुट्टी, 8 दिन छुट्टी रहती थी, और छठ में भी दीपावली से छठ तक छुट्टी रहती थी, लेकिन सभी छुट्टियों को मिलाकर के 60 छुट्टियाँ हम लोगों को दी गई, जिसमें 30 छुट्टियाँ गर्मी की छुट्टी में जो दी गई थी उसमें भी विद्यालय खुला रहा और शिक्षक आए और पढ़ाए, तो हम लोगों की 30 छुट्टी तो इस साल भी बाकी है। ये बताइए कि भारी संख्या में शिक्षक छठ करते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, आपको क्या लगता है? इस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों को सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, चूंकि हम लोग नौकरी करते हैं। परेशानी तो होगी ही नहीं, अब परेशानी की क्या बात है, पर्व त्योहार अलग जगह है और अपना ड्यूटी अलग जगह है, और ड्यूटी को ही पूजा माननी चाहिए। वैसे मांग तो उठ रही है शिक्षक नेताओं के तरफ से कि मांग हम अपने अधिकारियों से करेंगे, प्रेस में जाकर के अधिकारी क्या मांग करेंगे? अब अधिकारी से जो आमने सामने बैठ करके बात होगी वही करेंगे, प्रेस के सामने हम लोगों को मांग नहीं। शिक्षक नेता लोग भी तो यही कर रहे हैं, जैसे पिछले साल तक छुट्टी रहती थी दीपावली से लेके छठ तक, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, शिक्षक नेता हैं, उन्होंने मांग रखी है, मांग कर रहे हैं, प्रेस के पास वो जा सकते हैं। हम लोग अभी कार्यरत हैं तो हम लोग अभी आपके समक्ष नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, ये प्रधान अध्यापक हैं असीम जी, साफ तौर से कह रहे हैं कि मीडिया से हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, विभाग का आदेश है। तो हाँ, ये है कि छुट्टियों में लगातार कटौती हो रही है, दुर्गा पूजा की भी छुट्टी में कटौती हुई, पहले दीपावली से छठ तक छुट्टी रहती थी उसमें भी कटौती की गई है। सो हम लोग अपने अधिकारियों से बात करेंगे। तो बता दें, छुट्टियों का जो ये मामला है इसको लेकर बिहार में अब विवाद हो रहा है, सियासत भी जमकर हो रही है। क्या नाम है आपका? निरीपेंद्र। ये राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में आप किस पद पे हैं? सहायक शिक्षक हैं सर। दीपावली से छठ तक छुट्टी रहती थी पिछले साल तक, लेकिन इसमें अब कटौती की गई है, शिक्षकों में आक्रोश है, मांग कर रहे हैं कि दीपावली से छठ तक की छुट्टी दी जाए। आप भी शिक्षक हैं, उनकी तकलीफ को समझते हैं। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो कि हम अभी तक जब से सेवा में हम आए हैं तब से किसी भी प्रकार का छुट्टी का उपभोग करते नहीं हैं, चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, हम विद्यालय में ही रहते हैं। अब बाहर में अभिभावकों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर अवकाश में कटौती हुई है तो सामान्य तौर पर शिक्षक चाहते हैं कि उनको छुट्टी मिले। अगर सरकार विभाग के द्वारा अगर पूर्व की भांति अगर अवकाश छुट्टी दे दी जाती है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।
उसकी तरह अगर रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, लेकिन इस बार तो कटौती हो गई। दीपावली में एक दिन की छुट्टी है और छठ में सिर्फ 7-8 छुट्टी है। 9 को तो शनिवार वैसे ही बंद रहता है, छठ की शुरुआत 5 से हो रही है, तो 5 को नहाए खाए, 6 को करना खुला हुआ है। लाखों की संख्या में शिक्षक छठ करते हैं तो परेशानी तो होगी। अब देखिए परेशानी होगी तो अब जहाँ से कटौती की गई है उस स्तर तक हमें पहुँचना होगा, तब हम बात करेंगे उस पर, नहीं कर सकते। चाहते हैं कि पूर्व की तरह रहे, हो जाए तो अच्छी बात है, शिक्षकों को कोई कठिनाई नहीं। लोग चाहते हैं ऐसा कि दुर्गा पूजा की भी छुट्टी में कटौती की गई शिक्षक की। लोग चाहते हैं कि पूर्व की भांति हो जाए, हो जाए। हाँ। लेकिन मैं तो उपभोग करता नहीं हूँ, मेरे लिए सामान्य विद्यालय। अन्य शिक्षकों के लिए आप चाहते हैं? हाँ, शिक्षक लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि पहले की तरह हो जाए। कब से कब तक? वो दीपावली और छठ जो पूर्व की भांति पहले गत वर्ष जैसे थी उस प्रकार से चाहते हैं लोग। ठीक है सर।